तमाम अहले मटिया ब्रुज के सामने को इस जश्न की मुबारकबाद देता हूँ। शोरा उलमा ज़ाकिर सामईन मोमिनी यहाँ पर सब तशरीफ़ फरमाए। क्या आवाज़ है टीपू, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं ज़बान खोलने की कसरत करूँगा। इजाज़त है, जिसके दिल में जितनी अली की मोहब्बत है उतनी बुलंद तलवार भेज दीजिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों का कि मुझे इतनी बेहतरीन तमाशों में पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है। हमारे भाई ने हमें दावत दे दी मुखाम तक चलेंगे। मैं तमाम अपने भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्यारे मित्रों से अपने सफर का आगाज कर रहा हूँ। जो दिल में उल्फते तेरे खुदा नहीं रखता, जो दिल में उल्फते तेरे खुदा नहीं रखता उसे अजीज कभी किबरिया नहीं रखता। जो दिल में उल्फते तेरे खुदा नहीं रखता उसे अजीज कभी किबरिया नहीं रखता। कफन के साथ जो खाके चपा नहीं रखता। ये कायनात अली के पिसर का सदका है। ये कायनात अली के पिसर का सदका है। ये रिस्क फातिमा जहरा के घर का सदका है। ये कायनात अली के पिसर का सदका है। ये रिस्क फातिमा जहरा के घर का सदका है। हलाली के बीच में से हवाले कर रहा हूँ। ये रिस्क फातिमा जहरा के घर का सदका है। बारगान में नौकरी कर रहा हूँ तो एक मुसद्दस के दो या तीन बंद मुझे याद हैं, वो आपके हवाले करता चलूँ। दिल है मेरा बस दवाने इमाम हुसैन। मेरे मौला हुसैन ने मुझे ऐसा कि मैंने कोशिश की कि अब तक तामीन की जबान से शोरा की जबान से मौला अब्बास का तस्करा सुना। मैंने ये कोशिश की कि मैं इमाम हुसैन की जबान से फजीलत मौला अब्बास की बयान करूँ। वो आपके हवाले कर रहा हूँ। सिर्फ दुआओं की इल्तमास है। मैं दाद आप नहीं भी देंगे तो कुछ नहीं, सिर्फ दुआ दे दीजिएगा मुझे। ये मेरे लिए बाइक से फख्र होगा कि मैं मटिया बुल्क जमीन से दुआ लेकर गया। मैं शुरू कर रहा हूँ। मौला हुसैन क्या कहते हैं मौला अब्बास की फजीलत आपके हवाले से मुसद्दस के। मौला हुसैन कहते हैं कि सब्रो इशारो सखावत का समंदर कह दो। वाह, दहन में रहे कि मौला अब्बास के फजाइल बयान कर रहे हैं मौला हुसैन। सब्र इशारो सखावत का समंदर कह दो है इजाजत के वफाओं का पैगंबर कह दो। सब्र इशारो सखावत का समंदर कह दो है इजाजत के वफाओं का पैगंबर कह दो। इसका दरिया है इसे वाली से कौतर कह दो। इसका दरिया है इसका दरिया है इसे वाली से कौतर कह दो। मौला हुसैन कहते हैं कि मैं मोहम्मद हूँ मेरे भाई को हैदर कह दो। या बाबा या बाबा या बाबा या बाबा।
دریا لکھنے والے والے کوثر کہہ دو, میں محمد ہوں میرے بھائی کو حیدر کہہ دو. امام حسین کہتے ہیں کہ رتبے حضرت عباس بتاتا ہوں میں, دیکھ عباس کے جھولے کو جھلاتا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیت کے بند میں یہ خاص طور سے توجہ رہے اس بات سے کہ بیت کے بند میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ مولا عباس کا نام ضرور آئے, بیت کے بند میں مولا عباس کا نام ضرور آئے. یہ میں نے اس مقدس میں کوشش کی ہے کہ نام لے کر آؤں, اور میرے مولا نے عطا کیا ہے, میں نے مولا عباس کا نام ہر بار لے کر آیا ہوں بیت کے اندر. تب وہ شرط کا بچہ سمندر کہہ دو ہے جان کے وفاؤں کا پیغمبر کہہ دو کہ دریا ہی سے بھائی سے کوشش کہہ دو, میرے محمد میرے بھائی کو حضرت کہہ دو, اس میں حضرت عباس بتاتا ہوں میں, بیت کے عباس کے جھولے کو جھلاتا ہوں میں. حسین کہتے ہیں کہ جس میں تطہیر کے آنگن میں قدم رکھا ہو, جس میں معصوم کے لفظوں کا قدم رکھا ہو, میں صفی ابن صفی ہوں تو غنی ہے غازی, میں صفی ابن صفی ہوں تو غنی ہے غازی, میں صفی ابن صفی ہوں تو غنی ہے غازی, باقی زہرا کا میں گل ہوں تو کلی ہے غازی, میں زمانے کا محمد ہوں علی ہے غازی, بس کے انوار میں کیوں کہ غنی ہے غازی, میں صفی ابن صفی ہوں تو غنی ہے غازی, باقی زہرا کا میں گل ہوں تو کلی ہے غازی. بیعت آپ کے حوالے کرو, بیعت کے لیے میں اتنی محنت کی ہے, بس کے انوار میں کیوں کہ غنی ہے غازی, باقی زہرا کا میں گل ہوں تو کلی ہے غازی. مولا حسین کہتے ہیں کہ باقی زہرا کا میں گل ہوں تو کلی ہے غازی. مولا حسین کہتے ہیں کہ حیدری آدمی کے میرا دنیا کی وفاؤں پہ کرم اس کا ہے. یہ مجھے یاد نہیں تھا لیکن میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, دنیا کی وفاؤں پہ کرم اس کا ہے, شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, تاریخ دنیا کی وفاؤں پہ کرم اس کا ہے, میرے بابا کا ہے منبر تو علم اس کا ہے. موج دریا پہ جو ٹھہرا وہ قدم اس کا ہے, موج دریا پہ جو ٹھہرا. آخری شیر مسلمانوں کے لیے ہے, دنیا کا بیس میں مسلمانوں کا تذکرہ ہے, مسلمانوں کے لیے ہے شیر. واقع کے حوالے کر رہا ہوں, ساری دنیا کی وفاؤں پہ قدم اس کا ہے, میرے بابا کا منبر تو علم اس کا ہے, موج دریا پہ جو ٹھہرا وہ قدم اس کا ہے, نام ساحل تیرے سینے پہ رقم اس کا ہے, نام ساحل تیرے سینے پہ رقم اس کا ہے, کہ مولا حسین کے نام ساحل تیرے سینے پہ رقم اس کا ہے, تو آسان نہیں. مولا حسین کی سوال ہے, سنیے گا شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کہ اس کے عباس کا صحابی تو آسان نہیں, جو تنا آنا ہو اس کا وہ مسلمان نہیں. جو تنا خانہ ہو اس کا وہ مسلمان نہیں. صلوات ہو جائیں آپ پر. علی کیا لکنت کے باوجود, میرے میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں جب تک میرا مولا چاہے گا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کوئی زبان نہیں کھول سکتا علی کے ذکر میں جب خود علی نہ چاہے. شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہاں سے میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, پہلے دو چار میں سے عقیدے کے حوالے سے, کہ ہر جگہ علی کیا لکنت کے باوجود میں جاہل تھا, پہنچا بلندیوں پہ جہالت کے باوجود. میرا عقیدہ ہے ہر جگہ علی کیا لکنت کے باوجود, پہنچا بلندیوں پہ جہالت کے باوجود, میں علی کا نوکر ہوتے ہوئے بھی
मासूम के कदम को मैं छू भी नहीं सका। अली का नौकर होकर भी मासूम के कदम को मैं छू भी नहीं सका। क्यों? मैं था गुनाहगार अकीदत के बावजूद। रजीम पे तवज्जो में क्या होती है, तवज्जो दीजिएगा। हज्जा अली अली किया लुकन के बावजूद, पहुंचा बुलंदियों पे जहानत के बावजूद, मासूम के कदम को मैं छू भी नहीं सका। मैं था गुनाहगार अकीदत के बावजूद के साथ सफा सफर में लड़की मैंने, इसलिए जिंदा रहूं मजार के रहमत के बावजूद। तुम्हें भूला नहीं हूँ मैं, ऐ मुफ्तिया ने दी तुम्हें भूला नहीं हूँ मैं, लानत में याद आ गए नफरत के बावजूद। तुम्हें भूला नहीं हूँ मैं, लानत में याद आ गए नफरत के बावजूद। नज़्म की गति है हर बार हाथ में, इस नज्म की रदीफ है हर बार साथ में, करता है काफिया यही इजहार। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह नज्म की रदीफ है, मसला बहुत ही अरे ये समझिए कि मेरी जहन में नहीं आया शेर, इसलिए मैंने मसला ये लिखा। हर कहीं है मेरे पास जो मेरे मौलाना ने मुझे अता किया वो आपके हवाले कर रहा हूँ। एक नज्म की रदीफ है हर बार साथ में, साथ में कैद है, रदीफ में कैद लगी हुई है कि खास में ही कहना है जो कुछ कहना है। इस नज्म की रदीफ है हर बार खास में, करता है काफिया यही इजहार खास में, खाके सफा सपन के लिए पास अपने रंग, होगी ना जिस्म को तेरे आधार खास में।
खाके जफा कफन के लिए पास अपने रख, सलामत रहे आप मौला, आपको सलामत रखे, आप बहुत जोश में सुन रहे हैं। खाके जफा कफन के लिए पास अपने रख, हो भी ना जिस्म को कि मैं कब्र में मना के तेरा जाती कर दूंगा अपने कब्र को गुलजार। दरबार खास में जालिम की हड्डियों को भी कीड़े चबा गए। मैंने पहले ही कहा है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि रदीस कैद में है, रदीस निभाना मेरा फर्ज था, मैंने निभाया। जालिम की हड्डियों को भी कीड़े चबा गए। जिंदा है फातिमा के रजादार, जिंदा है फातिमा के रजादार। बहुत आसानी से शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। जिंदा है फातिमा के रजादार खादमे, जब 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 लगेगा नारे हैदर जमीन पर, तब तब मिलेंगे दीन के गद्दार। जो मुखियानी लगे दिन पर उसके शक्ल का दिन क्या है। उनकी हड्डियों को भी कीड़े चबा गए। जिंदा है फातिमा के आजादार हाथ में, जब जब लगेगा नारे हैदर जमीन पर, तब तब मिलेंगे दीन के गद्दार पास में, तब तब मिलेंगे दीन के गद्दार पास में, तब तब मिलेंगे दीन के गद्दार पास में, तब तब मिलेंगे दीन के गद्दार पास में। मिलने को आएंगे मेरे सरकार, मुसद्दस मौला हुसैन की। हमारे भाई ने कहा है कि 20 मिनट आपको पढ़ना है, तो मैं 20 मिनट पूरा कर रहा हूँ। एक मुसद्दस मौला हुसैन के हवाले से आवाज़ है महबूब की, महबूब की आवाज़ है, वो आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरी शुरुआती शायरी की, मेरी खुद की सबसे पसंदीदा मुसद्दस आपके हवाले से 2-3 बंद आपके हवाले कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं जहाँ गया हूँ मैंने पढ़ा है, तो मैं पहली बार यहाँ तकलीफ लाया हूँ, तो मेरा भी दिल है कि मैं पढ़ता चलूँ यहाँ पर। 3 शाबाश बिलाल इमाम हुसैन, आवाज है परवरदिगार की कि आज की रात दुनिया मनव्वर हुई, जिंदगी मिल गई दीन इस्लाम को। सुभान अल्लाह, क्या कहना। सजे हुए शेर मेरे मौला ने मुझे अदा किए हैं, वो आपके हवाले कर रहा हूँ। आज की रात दुनिया मनव्वर हुई, जिंदगी मिल गई दीन इस्लाम को। आ रही है खुदा की जमीन पर वही, अब ये फैलाएगा तेरे पैगाम को। अभी बात खुली नहीं है, खुले की बात आगे आ रही है खुदा की जमीन पर वही, अब ये फैलाएगा तेरे पैगाम को। गोद में जाके ले ले ऐ मेरे वसी, रोशनी मिल गई है तेरे नाम को। वसी से मुराद रसूल हैं, आपके हवाले कर रहा हूँ। गोद में जाके ले ले ऐ मेरे वसी, रोशनी मिल गई है तेरे नाम को। ये रखेगा खबर तेरी हर बात की, यही अंजाम देगा तेरे काम को। ये कौन है जिसके हवाले में खुदा कह रहा है, ये रखेगा खबर तेरी हर बात की, यही अंजाम देगा तेरे काम को। खुदा कहता है कि मोहम्मद से कि मैं बताऊं,
ये है कौन, क्या चीज है, इसकी कर्मों वाला आदमी जागीर है। अब बात खोल रहा हूँ मैं बताऊँ ये है कौन क्या चीज है, इसकी कर्मों वाला आदमी जागीर है। उड़ा गया है कि मैं बताऊँ ये है कौन क्या चीज है, इसकी कर्मों वाला आदमी जागीर है। देखने में नबी, सोचने में अली, ये खुदा सब्र का है, ये शकीर है। क्या कह रहा तुम? देखने में नबी, सोचने में अली, ये खुदा सब्र का है, ये शकीर है। खुदा कह रहा है कि मैं बताऊँ ये है कौन क्या चीज है, इसकी कर्मों वाला आदमी जागीर है। देखने में नबी, सोचने में अली, ये खुदा सब्र का है, ये शकीर है। खुदा कह रहा है कि सबसे अफजल बनाया है मैंने इसे मोहम्मद जवारी से कुरान का। पाक पीनत ये जीनत है, इस्लाम की है ये हाकिम अबू दर व सलमान का। इसका बाबा अली, इसकी माँ फातिमा, ये सूरा है ये आले इमरान का। इसकी बातों पर ठुकराना मुमकिन नहीं क्योंकि ये लाल है कुल्ले ईमान का। अब हुसैन और कोई ना होगा, यहाँ मैंने अपने कलम को कलम कर दिया, कलम तो कलम कर दिया। मोहम्मद ने क्या किया, गोद में लेके अहमद ने चूमी, जबी फख्र से ये कहा मेरे सरताज आ आ। गोद में लेके अहमद ने चूमी, जबी फख्र से ये कहा मेरे सरताज आ। आज सीने मोहम्मद मुकम्मल हुआ, हो गई मुझको घर में ही मेराज आ। गोद में लेके अहमद ने चूमी, जबी फख्र से ये कहा मेरे सरताज आ। आज सीने मोहम्मद मुकम्मल हुआ, हो गई मुझको मैं घर में ही मेराज आ। हुसैन वाना मिल हुसैन का तर्जुमा कर रहा हूँ। गोद में लेके अहमद ने चूमी, जबी फख्र से ये कहा मेरे सरताज आ। आज सीने मोहम्मद मुकम्मल हुआ, हो गई मुझको घर में ही मेराज आ। तुझसे मैं, मुझसे तू, कर तू अब गुफ्तगू, तेरा हर के खुदाई पे है राज। मैं उलुल अज़्म, तू भी उलुल अज़्म है, क्यों रहूं तेरी उल्फत से मोहताज। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी यादगी, तू मेरी हर खुशी, तू मेरा प्यार है। तू बचाएगा खुम दे के इस्लाम को, तू नबी की नबूवत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। मैंने चूमी, जबी फख्र से ये कहा मेरे सरताज आ। आज दीने मोहम्मद मुकम्मल हुआ, हो गई मुझको घर में ही मेराज आ। तुझसे मैं, मुझसे तू, कर तू अब गुफ्तगू, तेरा हल के खुदाई पे है राज आ। मैं उलुल अज़्म, तू भी उलुल अज़्म है, क्यों रहूं तेरी उल्फत से मोहताज आ। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू मेरी यादगी, तू मेरा प्यार है। तू बचाएगा खून दे के इस्लाम को, तू नबी की नबूवत का हकदार है। धन्यवाद कृष्णा बजरा। हवाले कर रहा हूँ, रदीस है कि नहीं झुलता, नहीं झुलता। बहुत मुश्किल से मैंने शेर निकाले हैं, तीन या चार बन जो आते हैं वो आपको दे देता हूँ। तलवार भेजते हैं आप हजरात। मतलब आपके हवाले कर रहा हूँ कि एक खैमे शब्बीर ही तनहा नहीं झुलता। ताकिया है ये और एक खैमे शब्बीर ही तनहा नहीं झुलता, कैसे कहूँ कुरान का चेहरा नहीं झुलता। वाह, बहुत मुश्किल रदीस है और कलाम मैंने जानता हूँ तीन महीने मशक्कत की है और 10 और 12 बन मुझे दस्तयाब हुए हैं। इसमें जो चार बन मैं सुना रहा हूँ आपको, इस तरह नहीं खुलता, कैसे कहूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा भी नहीं है कहीं, वहाँ के हवाले कर रहा हूँ। इस तरह नहीं खुलता, कैसे कहूँ कुरान का चेहरा नहीं झुलता। था नस्ब जो अब्बास का परचम मेरे घर पर, बस्ती तो जली मेरा मोहल्ला नहीं खुलता। शुक्रिया आपका जजा। जो परचम मेरे घर पर, जो परचम मेरे